हेलो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे शंकर रायस की इन्वॉर्मेंट वाली बुक जिसमें हम चैप्टर ट्वेंटी एट पढ़ रहे थे और आज उसमें है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें सबसे सब पहले आएगा द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यू के अंडर में आता है और नाइनटीन में ये स्टार्ट हुआ था और इनका उद्देश्य है कंजर्व करना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को और साथ ही साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से के रिसोर्सेज का अगर हम यूज कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो सस्टेनेबल वे में करना ये हो गया इसका पूरा उद्देश्य इसके मेंबर जो हैं 80% परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और 90% परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रॉपिकल ट्रिम्बर ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक कमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन है कमोडिटी मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बिकती हो ठीक है तो ये कमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे जो भी कमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं चाहे वो पेट्रोलियम का हो कोई भी तो वो ट्रेड और इंडस्ट्री से तालुक़ात रखते हैं तो ये भी रखता है और साथ ही साथ उसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट से भी ताल्लुक रखता है ठीक है ये हो गया अब ये ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे जो डिटेल हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस वाले पार्ट में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उनको समरी में ही देखेंगे नेक्स्ट आ जाएगा यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कोई फोरम बनाया होगा उसके बारे में है ये फोरम ठीक तो यूनाइटेड नेशन का एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसके अंडर में ये स्टैब्लिश हुआ था 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये इकोसोक जो है इसकी सब्सिडरी बॉडी के रूप में काम करता है और इनका उद्देश्य है कि प्रमोट करना मैनेजमेंट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट हर प्रकार के फॉरेस्ट की बात की जा रही है सिर्फ यहाँ पर ट्रॉपिकल या टेम्परेट के नहीं सारे टाइप के फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए है ये यू ठीक है साथ ही साथ जो पॉलिटिशियन जो भी योजनाएं बनाते हैं जो भी लेजिस्लेशन में काम होता है उनमें कमिटमेंट डालना उन पर प्रेशर डालना कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए वो लोग प्लान बनाएं ठीक है और ये साथ, साथ इसने सारी अपनी प्रेरणाएँ ली कहाँ से हैं ये कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करता है तो हमने यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उनमें से बहुत से नेचर को कंजर्व करते हैं बहुत से फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो उनमें से जो रियो डिक्लेरेशन फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा ट्वेंटी वन जिसको हमने चैप्टर ट्वेंटी एट के पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में देखा है वहाँ से आप देख सकते हैं इन तीनों से तो इन तीनों में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात है तो ये यू जो है इन्हीं से प्रेरणा लेता है और फॉरेस्ट को कंजर्व करता है ये वाला इतना ही है बाकी जो सारे डिस्क्रिप्स डिटेल्स दिए हुए हैं अब काम करेंगे ये आउटडेटेड हो गया है ये भी आउटडेटेड हो गया है ये भी आउटडेटेड हो, हो गया है और ये भी आउटडेटेड हो गया है तो इसमें इतना ही है आप जाने कि किस अंडर में आता है और कहाँ से प्रेरणा लेता है नेक्स्ट आ जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है आई यू हम बार बार पढ़ते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज के कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बताता है कितना इंडेंजर्ड है उनके बारे में भी बताता है ये इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसका क्या मतलब हो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो तब होता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो आती हैं और सिर्फ गवर्नमेंट्स ही बनाती हैं यूजुअली उसके अलावा कई बार कोई और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हुई होती हैं लेकिन प्राइमरली गवर्नमेंटल गवर्मेंट्स ही मिलकर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेश्स को बनाती हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं पर यहाँ ऐसा नहीं है ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा डिफरेंट एन के द्वारा उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिसर्चर्स इन सब के द्वारा मिलकर बनाया जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है पहला चीज ये हो गया कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दूसरा ये यूएन की बॉडी नहीं है यूएन से जुड़ा है बहुत तरीकों से लेकिन ये यूएन की बॉडी नहीं है दूसरा ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया जब 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका शुरुआत में नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर आई बाद में इसका नाम बदल के हो गया आई इसका शार्ट में हम नाम लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लेकिन ऑफिशियली इसका फुल नेम जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल Resources तो आमतौर पे लिखते हैं शॉर्ट में तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो सेक्शन है उसको नहीं बोलते हैं 1956 में ये नया नाम हुआ था आई से आई हो गया था इनका सेक्रेटेरिएट है ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है इनका विजन क्या है कि ए जस्ट वर्ल्ड जस्ट वर्ल्ड का मतलब हो गया नैप्री वर्ल्ड जो कि वैल्यू देता हो और कंज़र्व करता हो नेचर को इनके बहुत से मिशंस हैं उन मिशंस में प्राइमरी मिशंस हैं कि कंजर्व करना इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर को साथ ही साथ अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार से करें कि इक्विटेबल हों और साथ ही साथ सस्टेनेबल हों यह एक न्यूट्रल फोरम है जिसमें गवर्नमेंट्स एन जी साइंटिस्ट बिजनेस लोकल कम्युनिटी सारे मिल के आते हैं और जैसा मैंने कहा कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रायोरिटी एरिया जो हैं काफ़ी एक्सपेंड हो चुके हैं अब हम देखते हैं अलग से डिटेल में लेकिन याद रखिए ग्रीन इकोनॉमी भी इनके प्रायोरिटी एरिया में है हम देखते हैं आयु के बारे में और डिटेल देखते हैं आयु जो है ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर क्या होते हैं यूनाइटेड नेशंस जो हैं उनके बहुत ढेर सारे कंट्रीज जो हैं मेम्बर्स होंगे लेकिन उसके अलावा कई बार क्या हो सकता है कि यू जो है कुछ नॉन मेंबर्स को भी इन्वाइट करता है जो उनकी प्रोसीडिंग यूएन में जो भी कार्यवाहियाँ चल रही होती हैं उनको देखने के लिए तो ये क्या करता है आई को भी कई बार बुलाता है ऑब्जर्व करने के लिए प्रोसीडिंग तो आई का स्टेटस हो जाता है ऑब्जर्वर यानी कि यू में आई जो है वो मेम्बर नहीं है और क्या है ऑब्जर्वर है साथ ही साथ आई यूएन के लिए कंसल्टेटिव स्टेटस भी रखता है इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस को नेचर के कंजर्वेशन के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए होती है तो वो आई से कंसल्ट करते हैं ठीक है उसके बाद आई ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लिखते हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना में मदद की थी ठीक है उसके बाद आई जो है फोर ईयर प्रोग्राम्स स्टाइल में काम करता है यानी चार साल के लिए उसके मेंबर्स बैठते हैं एक बार और तय करते हैं अगले चार साल में हम क्या करेंगे तो फोर ईयर प्रोग्राम स्टाइल में काम करता है इस समय ये वाला जो प्रोग्राम चल रहा है 2017 से 2020 वाला इनके तीन प्रायोरिटी एरिया हैं पहला है वेल्यूंग एंड कंजर्विंग नेचर जो कि इनके मिशन वाले टाइटल से लिया गया है इसके अलावा प्रोमोट करना सपोर्ट करना इफेक्टिव एंड एकबल गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को फिर डिप्लॉय करना नेचर बेस्ड सोल्यूशन टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट तो ये सारी कॉमन चीजें हैं लेकिन इन्हीं के क्षेत्र में ये इस चार सालों में आयू ने काम किया है एक चीज और है डायरेक्टली आयू जो है वो लोगों के लिए मास एजुकेशन का, का काम नहीं करता भले एजुकेशन को प्रमोट करता है और स्पेशल कमीशन भी है आयु का मास uh, एजुकेशन के लिए लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है वो स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करता है जो फर्दर एजुकेशन को प्रमोट कर सके यानी एन की मदद करता होगा गवर्नमेंट्स को भी रिसोर्स प्रोवाइड करता होगा ताकि लोगों में नेचर के लिए नेचर के कंजर्वेशन के लिए एजुकेशन गवर्नमेंट या एन प्रोवाइड कर सकें ठीक है अब थीम जो है काफ़ी एक्सपैंड गई है देखते हैं कौन कौन सी थीम्स हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सपैंड हो गई इतना ज़्यादा कोई याद नहीं रख सकता है तो यू इस टाइप की चीज़ें यूजली पूछती नहीं फिर भी हम एक देख लेते हैं ताकि कॉमन सेंस डेवलप हो सके थीम है बिजनेस क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक्स इको सिस्टम इन्वामेंटल लॉ फॉरेस्ट कंजर्वेशन जेंडर ग्लोबल पॉलिसी मरीन एंड पोलर प्रोटेक्टेड एरियाज साइंस एंड नॉलेज सोशल पॉलिसी स्पसीज वाटर एंड वर्ल्ड हेरिटेज अब ये इसमें से आप एलिमिनेट कर लीजिए जो कि कॉमन सेंस के अनुसार नहीं है अपने आप आपको याद हो जाएगा नेचर को कंजर्व करने के लिए है तो क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें तो होंगी लेकिन हमें जो सुनने में अटपटा लगता है कि आयु बिजनेस के लिए तो काम नहीं करता होगा लेकिन हाँ बिजनेस के लिए काम करता है साथ ही साथ जेंडर के लिए भी ये काम करता है उसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी काम करता है और वाटर के लिए भी काम करता है जो कि यूजुअली लगता नहीं कि आयु का काम होगा तो अब इस तरीके से आप देखें तो बहुत सी चीज़ें ये कवर करता है आई जो है क्या करता है कि नेशनल लेवल पे तो गवर्नमेंट्स को मदद देता है कि वो अपने देश में नेशनल बायो पॉलिसीज को बना सकें क्योंकि ये साइंटिफिक बॉडी है इसमें काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं तो वो लोग के पास अच्छा नॉलेज होता है कि, कि किस तरीके से नेचर बायोडाइवर्सिटी इनको कंजर्व करना है तो फिर गवर्नमेंट्स की मदद कर सकता है नॉलेज दे उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या करता है कि एडवाइस देता है डिफरेंट इन्वामेंटल कन्वेंसन्स को जैसे हमने पढ़ा है कि सी बी डी साइट्स यू एन एफ सी 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 हम ये तीनों को पढ़ चुके हैं साथ ही साथ यूनेस्को को ये एडवाइस देता है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नेचुरल वाली साइट्स का ये एडवाइस देता है यूनेस्को को आयु के सिक्स कमीशनस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक सिर देख लेते हैं पहला है कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैंने बताया कि भले ही कमीशन है इनका एजुकेशन पर लेकिन ये डायरेक्टली पीपल को एजुकेट नहीं करते हैं ये गवर्नमेंट एन वगैरह को मदद करते हैं ताकि गवर्मेंट एन जी पीपल को एजुकेट करें कमीशन ऑन एन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी वर्ल्ड कमीशन ऑन एन्वायरमेंटल लॉ कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्पेशल सर्वाइवल कमीशन ये पहले भी हमारे वीडियोज में आ चुका है आपको अगर याद हो तो बताइए वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया आयु की रेड लिस्ट रेड लिस्ट में क्या होती है वो सारी स्पेसीज जो कि खतरे में पड़ी हुई होती हैं उनको ये असेस करते हैं आयु वाले डिफरेंट लोगों के नॉलेज के माध्यम से जो कि मैं बताऊँगा अभी इसका क्या मीनिंग है असेस करते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं कि किस स्पेसीज को कितना ज़्यादा खतरा है हमने पिछले इस एनिमल डाइवर्सिटी में हमने देख लिया है कि आयु जो है किस बेसिस पे किस स्पसीज को इंडेंजर्ड वगैरह के कैटेगरी में रखता है तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं यहाँ पे हम आउटलाइन ही देखते हैं ये आयु रेड लिस्ट जो है 1964 में स्टेबलिश हुई थी सबसे पहले और मेजर स्पसीज एसेसर्स हैं इनके वो क्या कहें हैं इसका मतलब क्या हुआ आयु जो है ग्राउंड लेवल पर खुद जाके डायरेक्टली रिसर्च नहीं करती है यूजली ये नहीं देखती है कि ग्राउंड लेवल पर कि टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है वो सब करने के लिए अलग जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं वो अपने अपने क्षेत्र की स्पेसीज को एसेस करती हैं और उनके डेटा को आई जो है पीयर रिव्यू करता है यानी ढेर सारे साइंटिस्ट को बैठा के रिव्यू कराता है और उस डेटा के अनुसार उस स्पेसीज का कंजर्वेशन स्टेटस जो है डिटरमाइन किया जाता है ठीक है और एसेसर्स यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा देते हैं ग्राउंड लेवल डेटा आई को उनमें कौन कौन से हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी द रिसर्च डिवीज़न ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंडन वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और उसके अलावा बहुत से स्पेशलिस्ट ग्रुप जो कि आई सी एन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के अंडर में आते हैं स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन हमने पहले भी देख लिया है एक्चुअल में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आयू सी एन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको हम देखते हैं सबसे पहले सबसे कम खतरे से इस्टार्ट करें तो आ जाता है लीस्ट कंसर्नड फिर आ जाता है नाट थ्रेटेंड ठीक लीस्ट कंसर्न और नॉट थ्रेटन ये जो स्पेसीज हैं ये खतरे में नहीं पड़ी हुई होती हैं इनको हम सिंपली नॉट थ्रेटेंड कैटेगरी में भी रख सकते हैं ठीक है लीस्ट कंसर्न और नॉट थ्रेटेंड उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा खतरा होगा तो वल्रेबल फिर इंडेंजर्ड फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन तीनों की मिलाकर हम कहते हैं थ्रेटेंड कैटेगरी इसमें जो भी स्पेशज आएंगी वो खतरे में पड़ी होंगी थ्रेटेंड होंगी फिर आ जाएंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि जंगल में कोई स्पेशल समाप्त हो गई हो जू में पाई जाती हो या आर्टिफिशियल इन्वायमेंट में या किसी वेटनेरियन डॉक्टर के यहाँ पाई जाती हो या कोई पर्सनल आदमी अपने घर में रखा हो तो भी हम उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अगर वो वाइल्ड में जंगलों में खत्म हो गई हो अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो गई हो तो हो जाएगी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड फिर आ जाएगी एक्सटिंक्ट यानी पूरे पृथ्वी से विलुप्त हो गई हो उसका कोई जीवित मेम्बर अर्थ पर नहीं पाया जाता है जैसे डोडो ठीक है इन्होंने जो रिसेंट में एसेस किया रिसेंट में रिपोर्ट आई 2011-2015 में इनकी रिस, कुछ रिसेंट जो भी बुक आई थी उस लिस्ट के अनुसार टोटल स्पिसज इन्होंने इतनी कवर की थी जिनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट है लीस्ट कंसर्न का उसके बाद आ जाएंगी तो आप बस ये याद रखिए कि जो लीस्ट कंसर्न है वो सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट कवर करती हैं उसी तरीके से इन्होंने जितने भी टोटल स्पिसज को कवर किया उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी हैं उनमें सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस हैं उसके बाद मैमल्स हैं अब उसी तरीके से हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी एम्फीबियंस ही हैं और सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड भी एम्फीबियंस हैं उसके बाद मैमल्स इन दोनों कैटेगरी में उसके बाद आते हैं ठीक है और वल्नरेबल जो हैं लगभग एम्फीबियंस और मैमल्स के सेम ही हैं तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयुष रेड लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्पेसीज किस ग्रुप से आती हैं तो वो आती हैं एम्फीबियन से या पूछ ले कि सबसे ज़्यादा आई रेड लिस्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंटेंज कैटेगरी में किस ग्रुप की स्पेसीज हैं तो वो हैं एम्फीबियन स्पेसीज ठीक है हमने ये देख लिया अब हम आगे बढ़ते हैं आएगा पहले ग्लोबल टाइगर फोरम यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कवर करता है ये यूएन का मेंबर ये यूएन की बॉडी नहीं है ठीक है ये टाइगर रेंज कंट्रीज को कवर करता है कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम लेकिन इनका उद्देश्य है कि टू सेव द रिमेनिंग फाइव सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स इन वाइल्ड जो भी टाइगर की सब स्पीसीज़ पाँच हैं उनके जो भी बचे हुए मेम्बर्स हैं उनको बचाना चौदह टाइगर रेंज कंट्रीज में और ये बना था उन्नीस सौ चौरानबे में और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है न्यू डेली में है यह एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है जो कि टाइगर के बचाने के लिए है और इनके मेंबर जो हैं तीन साल में एक बार मिलते हैं और योजनाएं बनाते हैं इनके मेंबर्स के बारे में हम अगर देखें तो कौन कौन से इनके मेंबर्स हैं तो आप इनमें मेंबर में देखें तो चौदहों कंट्रीज नहीं है बांग्लादेश भूटान कंबोडिया इंडिया म्यांमार नेपाल वियतनाम हैं उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है वो सपोर्ट वाला मेंबर है जो बाहर से सपोर्ट बस प्रोवाइड करता है बहुत से एन जी हैं ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ ट्रैफिक आई एफ ए डब्ल्यू उसके अलावा इंडिया से बहुत से एन जी हैं इसके मेंबर्स तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आई यू सी एन स्पेशल इनवाइटेड स्टेटस रखता है यहाँ पर ठीक है तो हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सेव करना टाइगर को उनके शिकार को और उनके हैबिटेट को टाइगर अगर हिरण को खाते हैं तो टाइगर को कंजर्व करने के लिए हमें हिरण को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है इसलिए टाइगर का जो प्रे पेस है उसको भी कंजर्व करना चाहिए अगर कर टाइगर कंजर्वेशन करना होगा साथ ही साथ लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना देखिए अगर कोई कंट्री है मान लीजिए इंडिया है इंडिया से नेपाल में भी टाइगर मूव करते हैं और साइड में इधर बांग्लादेश में भी टाइगर मूव करते हैं घूमते हैं अगर इंडिया अपना एक कोई लॉ बना ले और नेपाल कोई ऐसा लॉ बना ले जो कि इंडिया से कंपेटेबल ना हो तो फिर क्या होगा कि ऐसे ला का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि टाइगर जो है वो देश की बाउंड्री देख के नहीं जाता है ना जो बीच में कंटिग्यूस फॉरेस्ट यानी एक फॉरेस्ट जो दोनों साइड में ओवरलैप करते हैं टाइगर उनको जंप कर सकता है इधर उधर सुंदरबन एरिया में इधर उधर मूव करते हैं टाइगर तो फिर ऐसा लाभ बनाना होगा जो कंपेटेबल हो आसपास के नेबर्स में टाइगर रेंज कंट्रीज में तो उसी हिसाब से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी ऐसी होनी चाहिए जो टाइगर रेंज कंट्रीज में ऐसी हों एक जैसी हों एक दूसरे के नॉलेज से सारे फ़ायदा उठाएँ ठीक है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बढ़ाना और टाइगर के इंटरप्राइसजेज को उनके रेंज कंट्री में फैसिलिटेट करना इसका मतलब इंडिया से अगर बांग्लादेश में टाइगर मूव करते हैं तो उनका जो बीच में पैसे है वहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा बैरिकेड लगा दिया जाए आर्मी बैठा दी जाए नहीं क्योंकि वहाँ पर टाइगर जाते हैं अगर बैरिकेड लगा दिए जाएंगे तो टाइगर मूव नहीं हो सकते हैं तो उनके पॉपुलेशन को हो जाएगा खतरा तो इसलिए हमें क्या करना होगा इंटरप्राइसज को सुनिश्चित करना होगा फिर इको डेवलपमेंट प्लान्स को प्रमोट करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से फिर साथ ही साथ कंट्रीज़ uh, को रिलेवेंट कन्वेंशंस को कंजर्वेशन ऑफ टाइगर और इलीगल ट्रेड के लिए uh, हमें प्रमोट करना इसका है इसका ये मतलब हो गया कि टाइगर का जो भी ट्रेड इलीगल हो रहा है टाइगर के डिफरेंट पार्ट का लीगल ट्रेड हो रहा है उसको रोकना साइट्स में हमने पढ़ा था साइट्स में इलीगल ट्रेड को रोकने की बात कही गई है तो वही बात यहाँ पर भी है साथ ही साथ रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग और बाकी कॉमन चीज़ें फिर कॉमन प्रिजर्वेशन प्रोग्राम कैन बी टेकन अप बाई लिटरली बाई रेंज कंट्रीज यानी दो कंट्रीज मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश अगल बगल हैं तो कंजर्वेशन का प्लान जो है उस एरिया के कंजर्वेशन का सुंदरबन एरिया के टाइगर कंजर्वेशन का प्लान ये दोनों मिल के ले सकते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन शुड बी कैरीड आउट सेपरेटली फाई रिस्पेक्टिव कंट्रीज यानी कि इंडिया के क्षेत्र में टाइगर आ जाएगा तो इंडिया कंजर्वेशन करेगा और बांग्लादेश के क्षेत्र में आ जाएगा तो बांग्लादेश करेगा लेकिन एक दूसरे की मदद करेंगे ऐसा नहीं है कि बीच में बैरिकेड लगा देंगे वगैरह लेकिन उनके अपने अपने क्षेत्र में ही कंजर्वेशन देखेंगे ऐसा नहीं कि दूसरे के यहाँ जाकर वो टाइगर कंजर्व करने लगेंगे फिर इंटरनेशनल डिमांड फॉर टाइगर पार्ट्स को कम करना स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जो भी इसका मीनिंग होता है इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी इसका मीनिंग नहीं कि ओरिजिनल स्मार्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इनके अनुसार तो आप याद कर लीजिए स्मार्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है साथ ही साथ सेंसिटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करें यानी अगर हम इंडस्ट्री लगा भी रहे हैं टाइगर के रेंज एरियाज में तो ऐसा हो कि टाइगर को नुकसान ना पहुँचे नेक्स्ट आ जाएगा इस्टाक होम कन्वेंसन ऑन पी ओ पी यूनाइट नेशनस के अंडर में आता है यू एन ई पी मेनली यूनाइटेड नेशन इन्वामेंट प्रोग्राम के तहत ये आता है पी ओ पी क्या होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट अभी हम देखेंगे उसको ये 2001 में स्टार्ट हुआ था और फोर्स में आया था 2004 में तो फाइनल डेट आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत है था। स्टाक होम स्वीडन में है वहीं पे इस कॉन्फ्रेंस की बात चली थी शुरुआत में तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है स्टाक होम कन्वेंसन और किन्ों स्टार्ट किया था तो कॉन्फ्रेंस आप प्लेनी पोटेंशरीज प्लेनी पोटेंशियरीज का मतलब होता है डिप्लोमैट्स यानी डिप्लोमेट्स डिफरेंट तो कंट्रीज के गए होंगे उन्होंने बातचीत की होगी और उन्होंने बनाया होगा इस्टाक होम कन्वेंसन ऑन पी ओ पी पी ओ पी क्या होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट आमतौर पर बहुत से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि परसिस्टेंट नहीं होते हैं इसका मतलब ये है मान लीजिए कोई अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहा है प्रकृति में जा रहा है और वो प्रकृति में धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म जो हैं माइक्रोब्स वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं तो वो परसिस्टेंट नहीं हुआ परसिस्टेंट का मतलब ज़्यादा समय तक वो नेचर में बना रहे नष्ट हो सके सॉरी नष्ट न हो तो उसको हम कहेंगे परसिस्टेंट बना रहे है नेचर में ठीक है अगर वो नेचर में बना रहेगा बहुत समय तक तो इसका क्या मतलब हुआ दो चीज़ें हैं अगर वो नेचर में बना रह रहा है तो यानी उसका कुछ ऐसा नेचर है कि डिफरेंट एनिमल्स प्लांट और माइक्रोब्स जो हैं उसको डिग्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं और डिग्रेड नहीं कर पाएंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं या तो वो नेचर में जस का तस पड़ा रहेगा या तो वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में इंटर कर जाएगा और एक्यूमुलेट होता रहेगा क्योंकि वो नष्ट नहीं हो सकता है तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं आम तौर पे कैसे होते हैं उनका नेचर क्या होता है उनका नेचर होता है कि वो फ़ैट सॉलेबल होते हैं यानी फ़ैट में वसा में घुल सकते हैं पानी में सॉलेबल उतने नहीं होते जितना फ़ैट में सॉलेबल होते हैं अब याद कीजिए कुछ विटामिन फैट सॉलेबल होती हैं कुछ विटामिन वाटर सॉलेबल होती हैं विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं उसके अलावा जितनी भी सारी विटामिन हैं वो सारी फैट सॉल्युबल हैं ठीक है उसी तरीके से पहले सल्फा ड्रग्स एंटीबायोटिक के रूप में यूज होती थी वो भी फ़ैट सॉल्युबल हुआ करती थी तो उसके इस्तेमाल से क्या होता था हमने देखा था कि वो फ़ैट में सॉल्युबल होती हैं ह्यूमन के बॉडी में फ़ैट धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है तो फैट में वो के साथ घुल के बॉडी में सल्फ़ा ड्रग्स जो हैं वो पड़ी रहती थी अगर वो बॉडी में बहुत दिनों तक पड़ी रहती थी तो यानी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती थी और पर्सन जो है जब अपना वेट लूज करता था फ्यूचर में कभी तो फ़ैट गलने लगती थी उसके बॉडी से तो सल्फ़ा ड्रग जब ज़रूरत नहीं होती थी बॉडी को उस समय बाद में दस साल बाद जब फैट गलने लगता था तो वो बॉडी से रिलीज होने लगती थी बॉडी में तो बाद में यानी कि वो अननेसेसरी बॉडी में सल्फ़ा ड्रग्स का अमाउंट बढ़ने लगता था तो सल्फा ड्रग एक टाइप की एंटीबायोटिक्स थी जो कि पुराने ज़माने में यूज होती थी अब नहीं इस्तेमाल होती हैं बहुत बड़े पैमाने पे ठीक है उसी तरीके से ये पी होते हैं वो भी फ़ैट सॉलेबल होते हैं और ऑर्गेन के फैटी ट्यूश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं अगर बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक बॉडी में बने रहेंगे और डिफरेंट टाइप के बैड इम्प्लीकेशन्स होंगे उसके और साथ ही साथ अगर वो बॉडी में फैट में सॉलेबल हैं तो वो क्या होगा बॉडी में बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे और उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमलेसन ठीक है मैं आपको ये समझाता हूँ पहला चीज देखिए बायो एक्यूमलेसन अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके बॉडी में मान लीजिए फैट टिश्यूज हैं इनमें क्या हो रहा है कोई कंपाउंड ए है बैठता जा रहा है बैठता जा रहा है ठीक है शुरुआत में आया इन दो में बैठा उसके बाद इसमें इसमें भी बैठ गया उसके बाद इनमें और इनमें भी बैठ गया तो उसके टोटल बॉडी में ये जो कंपाउंड ए है वो एक्यूमलेट होता चला गया क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है अगर वाटर सॉल्युबल होता तो क्या होता वाटर सॉल्युबल चीज़ें जो हैं पानी में घुलनशील होती हैं तो वो मल मूत्र के द्वारा बॉडी से तुरंत निकल जाती हैं 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर काफ़ी फास्ट निकल जाती हैं लेकिन फ़ैट सॉल्युबल जो है बॉडी में इस तरह डिपॉजिट रहती हैं उसके बाद अगर क्या होगा कि इस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा लिया और मान लीजिए बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है ये वाला ऑर्गेनिज्म इसने खा लिया है इसको और ये चूंकि ये बड़ा आर्गेनिंग जो है एक ही को तो खाता नहीं होगा इस तरीके से तीन चार को खा लेगा तो मान लीजिए ये छः मालिक्यूल्स एक में थे इनमें भी ऐसे छः मालिक्यूल्स होंगे एक इनमें भी छः होंगे इनमें भी छः होंगे तो फिर क्या होगा इसके बॉडी में छः चौक चौबीस मालिक्यूल्स चले गए एक साथ तो क्या हुआ एक सिंगल यहाँ पर इस इस वाले आर्गेन में तो छः थे लेकिन ये बड़े वाले में ट्वेंटी फोर हो गए तो इसके बॉडी में इस वाले कंपाउंड का अमाउंट बढ़ गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो ठीक है तो इस टाइप से पीओपी पी जो है बायो इक्यूमेशन और बायो मैग्नीफिकेशन के नामना को शो करते हैं तो बायो इक्यूमिलेशन किसी ऑर्गेनिज्म में अगर कंपाउंड डिपॉजिट होता जाए बायो मैग्नीफिकेशन अगर वो हायर लेवल इनपुट चेन में कंसनट्रेशन में बढ़ते जाए तो उसको हम कहेंगे बायो मैग्नीफिकेशन ये टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए ये वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई इधर अब बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको इस कन्वेंसन ने बैन कर रखा है उनके पी नेचर की वजह से उनमें से सारे का नाम आपको याद नहीं रखना चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हमें देख लेना चाहिए याद रखें डीडीटी जो है आता है हेक्साक्लोरोबेंजीन आता है ठीक है अब ये देखिए उसके अलावा पाली क्लोरोबिशिनाइल जो कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक मेकिंग में बहुत टाइप के पेपर के मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं तो ये हो जाएंगे उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें जो हैं डाइक्जीन के कंपाउंड ये भी इसमें आते हैं फ्यूरान कंपाउंड भी इसमें आते हैं अब किन किन कैटेगरी के ये कंपाउंड्स होते हैं कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं और कुछ उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है समय समय पे ये लिस्ट अपडेट होती रहती है और 2011 में काफ़ी घटनाएं आई थी इंडिया और आसपास के रीजन में इंडो सल्फान नाम का एक पेस्टिसाइड था जिससे लोगों की मृत्यु हो रही थी और जो भी वर्कर्स थे उनके हेल्थ को काफ़ी प्रभाव हो रहा था क्योंकि इंडो सल्फान जो है बहुत बड़े मात्रा में टी और कॉफ़ी इंडस्ट्रीज में काफ़ी प्रोडक्शन में यूज होता है तो इस क्षेत्र में जो भी वर्कर थे उनके स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान हो रहा था तो इंडिया में इसको लेके काफ़ी डिबेट चली थी तो 2011 में जब इस इस कॉन् की कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी टाको कन्वेंशन की तो उन्होंने इंडो सल्फान को एक तरीके से बैन कर दिया और कुछ उसमें टेक्निकल एग्जैम्स भी दिए और कहा कि हम धीरे धीरे करके फेज आउट कर देंगे इंडो सलफान को अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज को ऑलरेडी जो है इंडो सलफान को फेज आउट कर चुकी है लेकिन कुछ कंट्रीज जिसका यूज अभी भी करती हैं खासकर डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया भी उनमें से एक था लेकिन क्या इम्प्लीकेशंस हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडो सल्फान वाला सेक्शन हम न्यूज के अनुसार देखें ये हो जाएगा 2011 का न्यूज 2011 और ये अपडेटेड है 2016 का भी ऐसा इन्होंने साइट पे लिखा था स्टाक होम कन्वेंसन अप्रूव्स रिकमेंडेशन फॉर बैन ऑन इंडो सल्फान इसमें उन्होंने कहा था कि इंडो सल्फान को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए और इंडो सल्फान को कहा था कि जब बैन करते समय ये देखा गया था कुछ कंट्रीज कह रही थी कि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज गरीब देश कह रहे थे कि इंडोसल्फान एक सस्ता कीटनाशक है और हमें कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए इंडो सल्फान चाहिए ही चाहिए हम महंगे पेस्टिसाइड की ओर अभी नहीं मूव कर सकते हैं तो फिर क्या हुआ कि स्टाकुम कन्वेंशन ने कहा ठीक है कुछ समय के लिए हम एग्जेपन देते हैं अभी फाइव ईयर का एग्जम्पन हम दे देते हैं कि आप क्या करिए फाइव ईयर तक कुछ ही क्रॉप्स में और कुछ ही कीड़ों के खिलाफ आप इस्तेमाल कीजिए उसको ये सारी लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है इस तरीके से ये हो गया लेकिन फिर भी इंडिया में केस आते गए तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में लोग गए बहुत सी रिपोर्ट्स आई वगैरह वगैरह बहुत सी वहाँ पे पॉलिटिक्स भी चली थी उस समय और उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने फाइनली कहा कि हम फेज आउट कर देंगे इंडो सल्फान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो देखिए दो में हुआ था स्टार्टिंग कहा गया था इंडो सलफान पाँच साल में बंद हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने फाइनली 2017 में एकदम से बैन करने की बात कह दी तो ये हो जाता है पूरा इंडो की थ्योरी स्टोरी नेक्स्ट आ जाएगा बेसल कन्वेंशन ये भी यू के अंडर में आता है ये कन्वेंशन है किस लिए है ये ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल यानी कि कोई भी खतरे वाले वेस्ट हैं उनका किस प्रकार से डिस्पोजल हो और एक देश से दूसरे देश में उनको किस तरीके से ले जाया जाए उनके बारे में ये कन्वेन्सन है ये स्टार्ट हुआ था 1989 में और कहाँ पर है ये इसका मेन सेंटर बेसल स्विट्ज़रलैंड में इसीलिए इसका नाम है बेसल कन्वेन्सन यहीं पर यह साइन भी हुआ था स्टार्टिंग में इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ हजारडस वेस्ट जनरेशन यानी कि कोई भी हजारडस वेस्ट है उसका हम जनरेशन को ही सबसे पहले कम करें ठीक है और साथ ही साथ प्रोमोट करना इन्वामेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजारडस वेस्ट फिर रिस्ट्रिक्ट करना ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडस वेस्ट लेकिन कुछ जगहों पे इन्होंने एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि उन हम हजारडस वेस्ट का किन परिस्थितियों में हम ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट कर सकते हैं अगर उनको प्रिंसिपल ऑफ इन्वामेंटली साउंड मैनेजमेंट के अनुसार किया जा रहा है यानी कि इस तरीके से उनको ट्रांस बाउंड्री मूव किया जा रहा है कि वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और ओवरऑल उनके रिसाइकिलिंग उनके डिस्पोजल के लिए प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ही अगर मूवमेंट की जा रही हो तो ही हम इस कन्वेंशन के तहत अलाउ करते हैं ठीक है पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट भी कु जगहों परमिशबल है ये सारे चीज़ें भी ये देखता है रेगुलेटरी सिस्टम भी अगर वहाँ पर अप्लाई हो रहा है प्रॉपर तरीके से तो यानी कि दो कंट्रीज़ ने प्रॉपर समझ के समझौता करके इस तरीके सिस्टम डेवलप किया है कि एक जगह से वेस्ट वो दूसरी जगह ले जा रहे हूँ तो यहाँ पर वो अलाउ हो जाता है उसके बाद आ जाता है कौन कौन से वेस्ट आते हैं बेसल कन्वेंसन में इनमें कई एनेक्स हैं इनके डिटेल को जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन किस टाइप के वेस्ट आते हैं ये हम देख लेते हैं बायोमेडिकल और हेल्थ केयर वेस्ट आ जाते हैं सिरिंज से लेके कोई भी डायग्नोस्टिक किट या कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट में हो सकता है ब्लड सैंपल्स हो सकते हैं एनाटॉमिकल पार्ट्स हो सकते हैं यूरिन बैग ब्लड बैग वगैरह वगैरह फिर यूज किए हुए ऑयल्स यानी खाद्य तेल जो हैं अगर उनका इस्तेमाल कर लें उनको नहीं पहुंचा सकते एक जगह से दूसरी जगह उसके अलावा पेट्रोलियम भी अगर यूज है उनको भी नहीं इधर से उधर ले जा सकते हैं यूज्ड लेड एसिड बैटरीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलेंट वाले वेस्ट या पॉली क्लोरिनेटेड जो कि इनके ही अंडर में आते हैं इसके अलावा इंडस्ट्री जो हैं और अदर कंज्यूमर जो हैं थाउजेंड ऑफ केमिकल वेस्ट जो जनरेट करती हैं वो भी इसमें आती हैं नेक्स्ट आ जाएगा रॉटर डैम कन्वेंसन ये भी यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है अडॉप्ट हुआ था 1998 में और फाइनली फोर्स में आया था 2004 में यह एक लीगली बाइंडिंग कन्वेसन है ये इंपॉर्टेंट है कि रॉटर डैम कन्वेंसन जो है लीगली बाइंडिंग कन्वेन्सन है और प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर पे काम करता है इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसको समझिए सबसे पहले कि ये पेस्टिसाइड्स के लिए है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए कन्वेंसन ठीक है कुछ पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल जो हैं उनको तो स्टाकोम होम कन्वेंसन ऑलरेडी बैन कर चुकी है लेकिन क्या है कि वो एक इंटरनेशनल अम्बरेला कन्वेंसन है जिनमें उन्होंने बड़े लेवल पर बहुत से केमिकल्स को बैन कर रखा है लेकिन मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं आसपास की और ये एक दूसरे में ट्रेड करती हैं और बिजनेस करती हैं हो सकता है कि क्रॉप का आदान प्रदान करती हों तो ये दो कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से समझौता करके अपने क्लोथ सिस्टम में इस तरीके से कोई केमिकल या तो बैन कर सकती हैं या अलाउ कर सकती हैं जो इन्हीं दोनों तक सीमित हो तो इस टाइप के बायोलिटरल या छोटे स्केल के जो समझौते वगैरह होते हैं वो आते हैं रॉटरडेम कन्वेंशन में उसके अलावा क्या है कि इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की भी बात है इसका मतलब मान लीजिए इस कंट्री से अगर कोई गेहूँ यहाँ पर जा रहा है तो पहले से कंसेंट होगा कि अब उस गेहूँ में यही यही पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं ठीक है और हाँ ये सारी चीज़ें वहीं पर हैं ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव वही सारे रिपीटेड चीज़ें हैं कौन से केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो कि बैन कर दिए गए हों या सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर हेल्थ एंड एनवामेंटल रीजन बाई टू आर मोर पार्टीज इसमें छोटे स्केल पर समझौतों तो, को बनाने के लिए ये रॉटर डाइम कन्वेंसन है दो कंट्रीज तीन कंट्रीज इनके बीच में नेक्स्ट आ जाएगा यू एन सी सी डी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बारे में हम थोड़ा पहले यहाँ से देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बाई डिजटिफिकेसन यह यूनाइटेड नेशन के अंडर में था ज़ाहिर सी बात है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था स्टार्ट हुआ था जो रियो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ट्वेंटी वन आया था वहाँ पे बात कही गई थी सबसे पहले सबसे पहले नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट यूएन बात कही गई थी डिजेटिफिकेशन को रोकने के लिए तो वहीं से ये प्रेरणा लेता है और वहीं से ये कन्वेसन जो है स्टार्ट होता है ठीक है इंटरनेशनल एकमात्र ऐसा लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि डिजर्टिफिकेशन को इस को की डिजर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि लीगली बाइंडिंग है तो जो जो लीगली बाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी बार ये ऑप्शन में दे देता है क्या ये लीगली बाइंडिंग है तो अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शन सही कर सकते हैं इसमें बॉटम अप अप्रोच की बात की जाती है यानी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की बात की जाती है इसका मतलब है ग्राउंड लेवल से वर्क स्टार्ट होता है कहा जाता है कि अगर हमें किसी भी लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है तो जनता को जागरूक करना होगा डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट सीधे पॉलिसी बनाएगी और जनता पर थोपेगी तो वो काम नहीं होगा हमें ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना होगा यह कन्वेंसन जो है वो डिजेटिफिकेशन और लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए है डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी लैंड है वो अगर डिजर्ट में तब्दील हो रहा है यानी कि सॉइल जो है उसका ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा है और सैंड uh, की के नेचर में उसकी सॉइल तब्दील हो रही है वो हो जाता है और लैंड डिग्रेडेशन का यही मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के माइक्रोफ्लोरा में सिग्निफिकेंट कमी होना उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं यू एन सी सी डी में ऐसा कहा गया कि डिजेटिफिकेशन की डिफिनीसन क्या हो तो इन्होंने कहा कि डिफिनीसन ऐसी होनी चाहिए लैंड डिजेटिफिकेशन का मतलब ऐसा लैंड डिग्रेडेशन जो कि ड्राई लैंड्स में हो रहा हो यानी कि एरिड एकदम से सूखे एरिया एरिया में जहाँ पे ना के बराबर बारिश से होती है सेमी एरिड ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स में जो कि वेरियस फैक्टर्स की, की वजह से हो रहा हो खासकर जो ह्यूमन के द्वारा बनाए फैक्टर्स तो यानी अगर ह्यूमन की वजह से एरिड सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स में अगर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो वो वाला डिजटिफिकेसन ही इस कन्वेंशन के तहत मान्य होता है अगर किसी एरिया में मान लीजिए इस एरिया में ये डिज़र्ट है और डेजर्ट अपनी बाउंड्री धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है नेचुरली ही तो ये क्या होगा ये वाला यहाँ पर डिज़र्ट का एक्सपेंशन जो है इनकी डिफिनीसन में नहीं आता है तो याद रखिए डिजर्ट का एक्सपेंशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और वह यू एन सी सी डी के डिजेशन की डिफिनीसन में नहीं आता है ये काफ़ी नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप uh, रखता है उन्नीस कम से कम इसके मेंबर्स हैं इस समय और ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन को देखता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो कि लॉस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कम करता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर है अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर और एक्स्ट्रा हम देखते हैं इसका सेक्रेटेरिएट है बॉन जर्मनी में अब बड़ के पार्टी जो गई नाइनटीन वन हंड्रेड नाइनटीन सेवन जो कि नियर यूनिवर्सल रीच में हो जाता है कुछ ही ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिनकी इतनी ज़्यादा मेंबरशिप है कुछ ही हैं एक्चुअल में और हाईएस्ट नंबर मिला के 197 ही है साथ ही साथ ये पब्लिसाइज कर टू हेल्प द पब्लिसाइज द कन्वेंसन 2006 में क्या हुआ था 2006 को डिक्लेयर कर दिया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन अब ये देखिए कि इनकी डिफरेंस कॉन्फ्रेंस अब पार्टीज होती रहती हैं सबसे पहले हुई थी उन्नीस रोम में लेकिन 2019 वाली जो रिसेंट में हुई थी सी ओ वो इंडिया में हुई थी और वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसका थीम है इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज इसका डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है बस आपको याद रखिए कि अब दिल्ली में हुआ था और डिक्लेरेशन का ये पूरा नाम है ठीक है तो ये हमने देख लिया डिटेल यू का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट इंडिया में ही उसका कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में देखते हैं ये क्या है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये कंजर्वेशन ऑफ द वेल एंड मैनेजमेंट ऑफ वेलिंग को मध्य रख के बनाई गई है वेलिंग का मतलब होता है वेल मछली का शिकार वेल एक मछली नहीं होती है वेल क्या होती है एक मैमल होती है ठीक है इनका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में और ये सेटअप किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग में जो कि वाशिंगटन डीसी में साइन हुआ था 1946 में साथ ही साथ कुछ डिटेल्स और भी हैं कि यह कहता है कि कुछ वेल स्पीसीज़ का हमें फुल प्रोटेक्शन करना होगा साथ ही साथ वेल की सेंचुरीज़ को बनाना होगा और हमें ये भी तय करना होगा कि गिवन सीजन में किस एरिया में कितने नंबर में और किस उम्र तक के वेल्स को किस साइज़ के वेल्स को हमें शिकार करना अलाउ करना होगा इसका क्या मतलब हुआ है डिटेल में देखते हैं मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र में अगर वेल पाई जाती है तो वेल की पॉपुलेशन हर जगह एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है हो सकता है कि विंटर के सीज़न में वेल जो हैं इस रीजन में चली जाती हूँ और समर के सीज़न में इस रीजन में ज़्यादा पाई जाती हूँ और समर के सीज़न में यहाँ पे ढेर सारे उनके बच्चे होते हैं तो इस समय अगर हम वेल को शिकार करने लगेंगे तो उनके बच्चों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा और उससे फ्यूचर में उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी तो इसका ये मतलब है विंटर सीजन में अगर बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है और यहाँ पे इस समय छोटे बच्चे काफ़ी कम होते हैं तो विंटर के समय में इस एरिया में शिकार करना ज़्यादा सस्टेनेबल माना जाएगा तो ये तय किया जाता है कि कितने बड़े साइज़ की वेल को शिकार अलाउ किया जाए कितने दिन तक किस रीजन में अलाउ किया जाए ताकि छोटे बच्चों का शिकार ना हो सके ये मैंने आपको बता दिया सकलिंग वेल्स मतलब दूध पीने वाले वेल के बच्चे मैमल्स हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं यस वेल मैमल हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके बच्चों को काफ्स कहते हैं जैसे गाय के बच्चों को भी काफ लिखते हैं और प्लूरल में काप्स हो जाता है उसी तरीके से वेल के बच्चों को भी यही काफ ही कहते हैं फीमेल अगर पाई जाए काफ्स के साथ तो उनकी हत्या ना की जाए क्योंकि काप्स का छोटे बच्चों का जीवन यापन अपने मदर के मिल्स पे होता है मदर अगर किल हो जाएगी तो बच्चे नहीं बचेंगे ठीक है उन्नीस में वेलिंग कमीशन ने कहा था कि एकदम से हम वेलिंग को बैन कर देते हैं बैन करने को स्टाइलिश तरीके से भी कहा जा सकता है जीरो कैच लिमिट यानी कि कैच यानी कि कितने वेल का शिकार किया जा सकता है जीरो यानी कि वेलिंग बैन कर दी इन्होंने उन्नीस में ठीक है लेकिन फ्यूचर में अभी इसका कुछ और इसमें रिकप रिपरकेशंस हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं उसको भी देखते हैं और साथ ही साथ एब जो रहते हैं मान लीजिए बहुत से आइलैंड पे बहुत से कोस्टल रीजन में बहुत से एब औरिजिनल रहते हैं इसका मतलब हो गया आदि मानव आदि मानव टाइप के यानी कि प्रीमिटिव प्रीमिटिव कल्चर वाले ह्यूमंस रहते हैं जैसे इंडिया में पी जो हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स रहते हैं जिनकी कल्चर काफ़ी ओल्ड है वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका अगर निर्वाह वेल पर होता है तो उनको कुछ लिमिट दी गई है कि आप इतने तक वेल का शिकार कर सकते हैं क्योंकि उनके उनका जीवन यापन इसी पर डिपेंड करता है वेल को बहुत से चीज़ों से खतरा हो सकता है सिप से अगर वो टकरा जाए तो मर सकती हैं साथ ही साथ जालियों में जो कि कई बार क्रैब्स यानी केकड़े वगैरह अन्य फिशेज को पकड़ने के लिए जो जालियाँ लगाई जाती हैं उनमें वेल फंस जाती हैं साथ ही साथ इन्वामेंटल पोल्यूशन से भी उनको खतरा है और वेल को वाचिंग वेल को देखने गए लोग जो हैं समुद्रों में लोग जो शौकिया देखने जाते हैं वेल्स को उस टाइप के टूरिंग के बढ़ने से भी वेल को काफ़ी खतरा अब कुछ और डिटेल्स भी देखते हैं कन्वेंशन में इनिशियल में ये परमिट दी गई थी कि जो मेंबर्स हैं साइंटिफिक परमिट्स दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को वेल का शिकार करने के लिए इसका मतलब हुआ कि अपने रीजन में जो कंट्रीज हैं वो एनालाइज करें कि उनके रीजन में कितनी वेल्स हैं और कितने वेल्स का हम शिकार करें तब भी उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगी। तो उसको कहेंगे साइंटिफिक परमिट ये वाला क्लाज इनिशियली था लेकिन क्या हुआ तेरह सितंबर 2018 में मेम्बर्स जो हैं वो बैठे और कहाँ पर बैठे फ्लोरिन फ्लोरियनापोलिस ब्राज़ील में और उन्होंने डिस्कस किया और कहा कि कॉमर्शियल वेलिंग जो है वो हमने उन्नीस में एकदम बंद कर दी थी लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान अभी भी वेलिंग कर रही हैं जापान की कल्चर में काफ़ी वेल को अभी भी खाया जाता है और जापान अभी भी वेल का शिकार करता है तो उन्होंने काफ़ी दबाव दिया जापान में कि वो वेल का शिकार एकदम से बंद करें इसको हम मिला के कहते हैं फ्लोरियना पुलिस डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था कि वेल को हमें कंजर्व करना चाहिए और वेल की संख्या हमें बढ़ानी होगी प्री इंडस्ट्रियल वेलिंग लेवल्स तक इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों में ही जापान जो है इस इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से इस्तीफा दे देता है वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है अपनी मेंबरशिप त्याग देता है विड्रॉल ऑफ इन मेम्बरशिप और साथ ही साथ कमर्शियल वेलिंग को वो रिज्यूम कर देता है अपने टेरिटोरियल वाटर में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ठीक है और साथ ही साथ जो सदर्न हेमिसफेयर में वेलिंग वो करता था उधर वो नहीं जाता है वेलिंग करने लेकिन अपने टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जुलाई 2019 से अब वेलिंग वो कर रहा है वेल्स का शिकार कर रहा है ये हो गया पूरा वेलिंग कमीशन के बारे में नेक्स्ट आ जाएगा वियना कमीशन वियना एक कमीशन दूसरा भी है जो कि डिप्लोमेसी के बारे में है लेकिन ये वाला जो है दूसरा है वियना कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओजोन इसको फुल फॉर्म में कहते हैं अडॉप्ट किया गया था नाइनटीन में और ये उन्नीस में फोर्थ में आया था अडॉप्ट किया गया था मतलब सारे मेम्बर्स राज़ी हुए होंगे कि हाँ ऐसा हमें कुछ करना चाहिए बाद में बहुत से डिस्कशंस हुए हुए नियम बने होंगे और फाइनली मिल तय होगा कि कैसे ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है और उसकी बिल्डिंग बना दी गई होगी सारे मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया गया होगा रिक्रूटमेंट कर दी गई होंगी और उन्नीस में वो काम करने लगे होंगे तो यही अंतर होता है अडाप्टेशन और फोर्स आने में यू के अंडर में ये आता है ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है इनका उद्देश्य क्या है कि प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को हमने पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी काम के लिए है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसी से वियना कन्वेंशन से ही प्रेरणा लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ है ठीक है ये लीगली बाइंडिंग रिडक्शंस नहीं प्रोवाइड करता है यानी कि जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है लीगली बाइंडिंग है लेकिन वियना कन्वेंशन इनिशियल में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले आया था और ये लीगली बाइंडिंग नहीं था ये हमें याद रखना चाहिए ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है और मोनट्रल प्रोटोकॉल और ये बाद में एक तरीके से साथ ही में काम करते हैं इनके मेंबर जो हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी एक ही मिलाकर होती है तो एक तरीके से ओवरलैपिंग कन्वेंशन ये दोनों हैं ठीक है कन्वेंशन का ही मोन्ट्रल प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल है ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके बारे में हो ठीक है ये इनका भी नियर यूनिवर्सल जो है उन्नीस पार्टीज हैं इसकी नियर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसकी और वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रेटीज़ इन द यूनाटेड नेशन हिस्ट्री यू एन सी सी डी का भी इतना ही था ठीक है ये वाली डेट्स हैं कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना इंडिया का क्या रोल है हमने पहले भी पढ़ लिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिटेल में तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे साथ ही साथ अब देखते हैं कुछ इंडिया के स्पेशल चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड फुल एग्जें्शंस फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट आफ गुड डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन ओ डी एस टेक्नोलॉजी यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फ्री अगर कोई रेफ्रिजरेटर आ रही होगी ए सी आ रही होगी अगर बाहर से इम्पोर्ट हो रही होगी तो गवर्नमेंट ने फुल एग्जम्पन दिया है उस पर कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ पर अब इस समय प्रजेंट में क्या है मैंने बहुत डेटा खोजने की कोशिश की एक्जैक्टली मुझे मिला नहीं लेकिन पहले की बात है उस समय ऐसा कहा था उन्होंने अब किगाली अमेंडमेंट्स आए की गाली अकॉर्ड भी कहते हैं कि गाली एग्रीमेंट भी कहते हैं कि ये जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन समय समय पर मिलती है और यह प्रोटोकॉल जो ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समय समय पर मिलती हैं और अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करती हैं तो किगाली में उन्होंने कब मिले 1987 में मिले कि गाली में और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की एक्स्ट्रा उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था कि सबसे पहले ओजोन को खतरा था सी एफ सी से इसको देखते हैं ओजोन जो थी उसको खतरा किससे था सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन से फिर क्या हुआ कि क्लोरो फ्लोरोबन से अगर खतरा है लेकिन हमें अभी भी एसी फ्रिज यूज करना है तो कौन सा हम रेफ्रिजरेंट गैस लाएं तो आई हाइड्रो क्लोरोबन ठीक है हाइड्रो क्लोरोबन उतना रेफ्रिजरेटर वगैरह में जितना नहीं यूज हुई जिससे ज़्यादा ये यूज हुई किन में डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर वग़ैरह में ठीक है लेकिन ये भी ओजोन के लिए ख़तरनाक थी तो अल्टीमेटली सी एफ सी का रेफ्रिजरेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर और ए सी में रिप्लेसमेंट के लिए नई टाइप की गैस आई जिनको हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोबंस एच एफ सीज तो एच एफ सीज जो हैं वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करती हैं लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि एच एफ सी जो हैं वो भले ओजोन को डिप्लीट नहीं करती हैं लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये एस एफ जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं यानी कि ग्लोबल टम्परेचर को राइज कर रही हैं जिस हिसाब से एस का यूज़ हो रहा है ऐसा माना जाता है कि पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टम्परेचर वो बढ़ा सकती हैं तो इसलिए क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए है ओजोन की संरक्षण के लिए है लेकिन पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने किगाली एग्रीमेंट में एक ऐसी गैस को टारगेट रखा जो कि भले ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस के लिए के रूप में जानी जाने लगी है इसका है मतलब हुआ पहली बार एक ऐसे प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने अपने क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्र की क्योटो प्रोटोकॉल की गैस को अपने में समाहित कर लिया यानी पेरिस एग्रीमेंट वाली गैस को अपने में समाहित किया ठीक है तो एच एफ सीज ये हैं सारी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ये बाइंडिंग है चूँकि मोन्ट्रिल प्रोटोकॉल बाइंडिंग है तो ये भी बाइंडिंग है 2019 से एक सौ सन्तानवे कंट्रीज एग्री हो चुकी हैं कि वो रिड्यूस करेंगे एच एफ़ सीज बाई रफली एटी फाइव परसेंट और बेसलाइन होगा दो हज़ार पैंतालीस दो हज़ार पैंतालीस तक करीब वो पचासी परसेंट रिड्यूस कर देंगी एच एफ सीज को लेकिन ये यूनिफार्म नहीं है समरी है वो एवरेज सारे कंट्री का मिलाकर 2045 तक हम 85 परसेंट एच एफ को कम कर देंगे सारे एक कंट्रीज़ का ये एवरेज मिलाकर कहा गया है अब देखें एक एक ग्रुप्स के हिसाब से ग्रुप वन कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या कहा कि हम 2019 तक एच एफ के अमाउंट को 10 परसेंट कम कर देंगे किस बेस लेवल से यानी कि 2011-13 में जितना हम एच यूज कर रहे हैं उससे हम 10 परसेंट कम कर देंगे 2019 तक और पचासी परसेंट कम कर देंगे 2036 तक सेकेंड ग्रुप में होगा इसमें कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना और कुछ अफ्रीकन नेशंस आएंगे इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि टारगेट रखेंगे 2024 तक का 10 परसेंट हम कम करेंगे 2020 2022 में हम जितना एस निकाल लेंगे उतने कहा टेन परसेंट तक सॉरी चौबीस से कम करना स्टार्ट करेंगे और दो हज़ार उनतीस तक हम टेन परसेंट डिक्रीमेंट जो है डिक्रीज जो है वो अचीव करेंगे और अस्सी परसेंट तक कम कर देंगे दो हज़ार पैंतालीस तक थर्ड ग्रुप जैसे इंडिया पाकिस्तान ईरान इराक इन्होंने क्या कहा कि हम 2028 तक ये अचीव करेंगे 2028 से कम करना स्टार्ट करेंगे 10 परसेंट कम करेंगे 2024 हज़ार के लेवल से और कब तक अचीव कर लेंगे दो यानी कि 2024-26 में पहले लोग नापेंगे कि कितना हर साल लेवल है फिर उस एवरेज लेवल के हिसाब से मान लीजिए 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को अब वो स्टार्ट करेंगे कम करना हर साल कुछ कम करने लगेंगे 2028 से और दो आते आते वो 9 यूनिट पहुंचा देंगे 10 से वो 9 यूनिट कर देंगे और दो तक वो क्या कर देंगे टोटल एट्टी कम कर देंगे यानी कि कितना बचेगा सिर्फ 1.5 परसेंट ही एच का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो नेक्स्ट आ जाएगा ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स फ़ूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको लाता है ये क्या है कुछ ऐसे प्रैक्टिसेज़ होती हैं ह्यूमन की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो होती हैं जो कि नेचर को कंजर्व कर रही होती हैं और साथ ही साथ इन्वामेंट जिस हिसाब से हमारा चेंज होता जा रहा है उस इन्वायमेंट चेंज के लिए हमें अडॉप्ट भी करा रही होती हैं तो कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में तो उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसज को ये एफ़ है रिकॉग्नाइज करता है अपने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स प्रोग्राम के तहत ठीक है

सबसे पहले है ये सैफरान हेरिटेज ऑफ कश्मीर तो जो कश्मीर में अब कश्मीर के किस क्षेत्र में होता होगा तो अलग बात है लेकिन कश्मीर में जो भी सैफरान का प्रोडक्शन होता है उसको भी यहाँ पर उन्होंने रखा है साइट लोकेशन है पामपूर करवास ऑफ कश्मीर जो कि नदर इंडिया में है इतनी फार्म फैमिलीज हैं फर्टाइल लैंड्स में होता है ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो कराया जाता है और एग्रीकल्चर है एक टाइप का तो आप डिटेल जो है बहुत जाने की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर आप चाहें तो इसी जो मेन ये ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की वेबसाइट है उनसे जाकर देख सकते हैं डिटेल बहुत वैसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम देखें तो कोरापुत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंडिया में है जो कि कोरापुत रिजन आप उड़ीसा में आता है और ये फर्टाइल लैंड पे और ट्रॉपिकल कंडीशन में कराया जाता है यहाँ पर लोग बहुत ही सस्टेनेबल वे में फट अपना प्रोडक्शन कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के स्पसीज का इसमें पैडी के साथ साथ अदर क्राफ्ट जैसे मेज मिलेट ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम को कल्टीवेट किया जाता है साथ ही साथ फॉरेस्ट के डिफरेंट प्रोड्यूस जैसे रूट्स टैमरिन टैमरिन सीड्स लीव फ्रूट सीड्स मैंगो स्टोन इनका भी प्रोडक्शन किया जाता है उसके अलावा अन्य बहुत से साथ ही साथ अन्य रोजगार जैसे फ्यूल वुड वगैरह हाउस बिल्डिंग करना यानी कि एग्रीकल्चर का टोटल लैंड का प्रॉपर यूज करना एग्रीकल्चर के एक एक जो भी वेस्ट निकलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेना तो इस तरीके से करते हैं कि कम से कम कार्बन प्रू होता है साथ ही साथ कार्बन को का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप कर पाते हैं ज़्यादा से ज्यादा कम वेस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास जनरेट ये कर पाते हैं यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट टाइप के पैडी डिफरेंट टाइप के माइनर मिलेट डिफरेंट टाइप के पल्स ये सारी चीज़ें एक ही रीजन में ये लोग ग्रो करा रहे है, होते हैं उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा कुत्ता बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया ये केरला में है और ये वेटलैंड स्टाइल है लैंड पे नहीं होता है ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशन में किया जाता है इसमें एग्रीकल्चरल के अलावा फिशरीज भी इन्वाल्व है अब देखिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे सी लेवल जो है राइज़ हो रहा है सी लेवल राइज हो रहा है तो कोस्टल जो एरिया है वो कम होता जा रहा है समर्ज होता जा रहा है अगर कोस्टल जोन में हमें खेती करना है राइस की तो क्या करना होगा नई टाइप के फार्मिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो ये कुट्टानाड़ बिलो सी लेवल फार्मिंग जो है वो राइस कल्टिवेशन के लिए काफ़ी इम्पॉटेंट हो जाती है इसीलिए लिए एफ ने उसको खास दर्जा दिया है यहाँ पर ये क्या करते हैं कि आ, सी लेवल में कोस्टल रीजन में सी लेवल में ये ग्रो कराते हैं राइस को और राइस के साथ साथ वहाँ राइस ग्रो होने से डिफरेंट अन्य फिश की स्पेशज इंसेक्ट की स्पेशज टर्टल बर्ड इनको भी वहाँ पे हैबिटेट प्रोवाइड हो जाता है तो काफ़ी सस्टेनेबल तरीका है और ये इंडिया की ही देना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसका कई बार जिक्र भी चाहें तो मीन्स में इंडिया की हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज पे कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे में भी बहुत बार इस्तेमाल हो सकता है ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा मीना माटा कन्वेंसन मीना माटा कहाँ है जापान में मीना माटा कन्वेंशन यूएन यू एन के अंडर में आता है मीनावाटा कन्वेंशन मरकरी के लिए है 2013 में अडाप्ट हुआ था लेकिन ये फाइनली जो है आ, साइन हुआ है रिसेंटली कब साइन हुआ है टोटल टू प्लेस हुआ है फाइनली 2017 में 2017 में फोर्स में आया है यानी कि 2013 से लेके करीब चार साल इसको लग गए फोर्स में आने में हुआ ये था कि जापान में कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि मरकरी का इस्तेमाल करती थी मरकरी के कंपाउंड को इस्तेमाल करती थी तो शुरुआत में 1900 समथिंग में यानी कि 1908 से लेकर कई सालों तक कई त्रासदी चली मीना माटा रीजन में वाटर पोल्यूटेड हो गया फिशेज पोल्यूटेड हो गई लोगों को बहुत सी मरकरी रिलेटेड बीमारियाँ हो गई मरकरी बॉडी के डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाता है लीवर टॉक्सिसिटी जीनो टॉक्सिसिटी अन्य बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह भी काज करता है हमने मरकरी के डिफेक्ट को पहले भी दो चैप्टर में एटलीस्ट पढ़ लिया है तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो ये जो कन्वेंसन है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ मरकरी को कंट्रोल करती है और इस तरीके से मरकरी के यूज को प्रमोट करती है ताकि ने मरकरी का ह्यूमन और इन्वामेंट में कम से कम नुकसान हो या ना के बराबर नुकसान हो लेकिन ये कन्वेंसन जो है इंक्लूड नहीं करती है नेचुरल मिशन ऑफ मरकरी मरकरी जो है वो रॉक्स में नेचुरली पाया जाता है हर एक मिनरल की तरह रॉक्स में नेचुरली पाया जाता है वहीं से तो लोग निकालते होंगे माइनिंग करके ठीक है नेचर में कई बार क्या होता है कि रॉक कई बार रिवर के द्वारा इनंडेशन से या एयर के द्वारा इनंडेशन से एक्सपोज हो जाती हैं वहाँ से मरकरी रिलीज हो जाता है उसके अलावा ज्वालामुखी से वॉल्कनेज से क्या होता है मरकरी अंदर से मैग्मा से बाहर आ जाता है तो इस तरीके से नेचुरल फनामोना में भी मरकरी बाहर आता है लेकिन ये जो मीनामाटा कन्वेंसन है उनको इंक्लूड नहीं करती है मरकरी जो है हमारे बॉडी में काफ़ी समय तक एक्मुलेट होता है और ये भी बायो एक्यूमलेसन और बायो मैग्निफिकेशन फनामोना को शो करता है ये क्या करता है कि मीनामाटा कन्वेंसन सारे पार्टीज को कहता है कि आप डिफरेंट इन इन चीज़ों को बैन करें किन किन चीज़ों को बैन करें आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग यानी कि छोटे पैमाने पे जो लोग गोल्ड माइनिंग करते हैं बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल लेवल पे जब गोल्ड माइनिंग होती है तो वो कास्ट स्टैंडर्ड के द्वारा टेस्टिंग एजेंसीज बार बार विज़िट करती हैं और चेक करती हैं कि डिफरेंट आर्सनिक मरकरी वगैरह लीक नहीं हो रहा है लेकिन जब कोई छोटे पैमाने पर लोग करते हैं तो इन सारे स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो मरकरी जो है वो कई बार गोल्ड के ही मिनरल्स के साथ बाइंड रहता है मरकरी और वो साथ में आ जाता है तो इस टाइप की प्रैक्टिस को रोकी जाती हैं फिर मरकरी का एयर में जो इमिशन है उसको भी रोकना है और ये इमिशन कहाँ कहाँ से होता है कोल्स में मरकरी पाया जाता है कोयले में मरकरी पाया जाता है अब जहाँ जहाँ कोल का इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ वो एयर में मरकरी को डाल रहे होंगे कहाँ कहाँ ये हो सकता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में कोल फायर्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में सर्टेन नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन ऑपरेशन में यहाँ पर भी क्या होता है नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन में या तो कोल का इस्तेमाल होता है बहुत से नॉन फेरस में सिल्वर प्रोडक्शन वगैरह में भी जो उनकी ओर्स होते हैं उनमें मरकरी पाया जाता है वेस्ट इन सनरेसन में बहुत से वेस्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जिनमें मरकरी यूज होता है थर्मामीटर्स में मरकरी यूज होता है बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट में मरकरी यूज होता है बहुत से पेंट्स में मरकरी यूज होता रहा है उन सब चीज़ों को अगर हम इंसेंड्रेट करेंगे यानी कि तेज़ी से बर्न करेंगे हाई टेम्परेचर पे एयर के प्रजेंस में तो मरकरी हवा में रिलीज हो जाएगा सीमेंट के प्रोडक्शन में भी मरकरी कई बार रिलीज हो जाता है बहुत सी बैटरीज मरकरी का यूज करती रही हैं बहुत से स्विचेज में लाइट्स में कॉस्मेटिक्स में पेस्टिसाइड्स में मेजरिंग डिवाइस जैसे थर्मामीटर में और डेंटल एमेलगम में यानी कि जो दांत में लोग चांदी भरवाते हैं जो डेंटल फिलर्स होते हैं जिनको कहते हैं दांत में जब सुराख हो जाते हैं होल्स तो उनको फिल करने के लिए जो डेंटल फिलर होते हैं उनमें मरकरी इस्तेमाल होता है अब तो रिप्लेस हो जा रहे हैं अन्य नॉन टॉक्सिक फिलर्स के थ्रू तो ये कन्वेंशन इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि इन सब चीज़ों में जो मरकरी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हम उन, उनको रिप्लेस करें और नॉन मरकरी वाले प्रोडक्ट्स को लाएँ जैसे ड्राई सेल्स जो हैं अब नॉन मरकरी वाले आने लगे हैं पहले मरकरी कैडमियम सेल्स आते थे तो अब उनको रिप्लेस करके कहा जाता है कि नहीं हम नॉन मरकरी वाले रिचार्जेबल सेल्स हम बना रहे हैं उसी तरह स्विचेज वगैरह में थर्मामीटर्स वगैरह में भी कोशिश की जा रही है कि मरकरी को रिप्लेस किया जाए डेंटल अमलगम में मोस्टली अब मरकरी वाले नहीं यूज होते हैं अच्छे क्वालिटी के दूसरे भी यूज होते हैं फिर कई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी मरकरी इस्तेमाल होती है जैसे क्लोरलकरी प्रोडक्शन विनाइल क्लोराइड मोनो मर प्रोडक्शन एसिटल डिहाइड प्रोडक्शन आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या करते हैं लेकिन याद रखिए कि बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मरकरी इस्तेमाल होता है फिर ये कन्वेंशन सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ मरकरी को भी ध्यान में रखता है सेफर स्टोरेज एंड डिस्पोजल को ध्यान में रखता है स्ट्रेटजीज डेवलप करता है कि कंटामिनेटेड साइट जो है मर्करी से कंटामिनेटेड साइट उनको हम कैसे रिमेडिएट करें मर्करी को रिमेडिएट करने के लिए बहुत से स्ट्रेटजीज हो सकती हैं बहुत टाइप के केमिकल फिल्टरिंग बायो रिमेडिएशन स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल की जाती हैं बहुत से फंगस स्पसीज होती हैं जो कि बायो रिमेडिएशन ऑफ मरकरी में इस्तेमाल की जाती हैं मरकरी कंटामिनेटेड फील्ड्स होती हैं उनमें बहुत से फंगस स्पीसीज को ग्रो कराया जाता है वो मरकरी को ट्रैप कर लेती हैं अपने में और उन फंगस को मूव करा के कहीं और ले जा कर छोड़ दिया जाता है तो सॉइल से मरकरी कम हो जाता है फिर ये भी ह्यूमन हेल्थ और इन्वामेंट को ध्यान में रखती है और ये वाला सेक्शन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसके बाद आएगा चैप्टर ट्वेंटी नाइन जो कि इन्वायमेंट इशूज एंड हेल्थ इफ़ेक्ट्स तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी थैंक यू